तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमिक एसिड के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ह्यूमिक एसिड क्या है और इसको कौन कौन सी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, इसको फसल में स्प्रे के अलावा और किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, उसके अलावा इसको फसल में स्प्रे करने के बाद क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, इसको कब कैसे और कितनी मात्रा में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, इसका प्राइस कितना है, उसके अलावा क्या इसके साथ किसी टॉनिक को मिला करके या फिर किसी इंसेक्टिसाइड को या फिर किसी फंगिसाइड को मिला के स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो पूरे डिटेल्स में आज हम लोग ह्यूमिक एसिड के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमिक एसिड क्या है। ह्यूमिक एसिड एक खदान से उत्पन्न बहुउपयोगी खनिज है और ये बाजार में तरह तरह के नामों से बिकता है। उसके अलावा पानी में घुलनशील भी होता है। उसके अलावा दानेदार फॉर्म पे भी मिलता है, जो कि खाद के साथ आराम से मिला करके आप लोग फसल में प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसको तीनों तरीके से बनाया जाता है। अब दोस्तों बात आती है ह्यूमिक एसिड का बेनिफिट, यानी ह्यूमिक एसिड को अगर हम लोग फसल में स्प्रे करते हैं या फिर खाद के साथ मिला करके डालते हैं तो क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो फायदा देखने को मिलता है ह्यूमिक एसिड का, वो होता है जड़ों का विकास करना, यानी जो पौधे का जड़ होता है उसको पूरी तरीके से बिल्कुल तरीके से विकास करता है। उसके अलावा मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है, जिससे पौधे में हरापन देखने को मिलता है। शाखाओं में वृद्धि आती है, यानी जो टहनियाँ बोलते हैं वो ज़्यादा ले आता है, उससे फल फूल ज़्यादा आता है। उसके अलावा फल फूल अगर ज़्यादा आएगा तो किसान को प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है। और उसके अलावा बीज का अंकुरण क्षमता को भी बढ़ाता है तथा पौधे को प्रतिकूल वातावरण से भी बहुत ही अच्छी तरीके से बचाता है। तो इसीलिए ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही लाभकारी है, जो कि पौधे के वनस्पतिक अवस्था में अगर इसको स्प्रे करते हैं या फिर खाद के साथ डालते हैं तो काफ़ी अच्छा फायदा देखने को मिल जाता है ह्यूमिक एसिड में। अब दोस्तों बात आती है ह्यूमिक एसिड का यूज, यानी ह्यूमिक एसिड को हम लोग कौन कौन सी फसल में छिड़काव कर सकते हैं या फिर खाद के साथ मिला करके डाल सकते हैं। तो दोस्तों ह्यूमिक एसिड को आप लोग धान में डाल सकते हैं या फिर आलू में डाल सकते हैं या फिर सोयाबीन में डाल सकते हैं। उसके अलावा मिर्च, टमाटर, बैंगन, प्याज, लहसुन, आम, अंगूर, केला, गोभी, पालक, ये जितने प्रकार की फसल होता है, सब्जी वर्गीय फसल, यानी उसमें आराम से आप लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100% रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है ह्यूमिक एसिड को कब, कैसे और कितने मात्रा में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ह्यूमिक एसिड को आप लोग पौधे का जब बढ़वार अवस्था होता है, यानी जो ट्रांसप्लांट करने के 30 से 40 दिन हो जाता है, यानी जिसको वनस्पति की अवस्था बोलता है, तो उसी टाइम पे आप लोग स्प्रे के दौरान यूज कर सकते हैं। यानी स्प्रे के दौरान अगर यूज करते हैं तो 15 से 20 ग्राम पर 15 लीटर के पंप में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर खाद के अगर साथ डालते हैं तो आप लोग लगभग 2 से 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग 10-26-26 यानी NPK या फिर यूरिया के साथ मिला करके आराम से डाल सकते हैं। उसके बाद पानी पटा देते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है ह्यूमिक एसिड का प्राइस। तो दोस्तों ह्यूमिक एसिड का अलग अलग परसेंटेज में प्राइस होता है, जैसे कि 1 kg का जो 95% वाला ह्यूमिक एसिड आता है वो लगभग 250 से 300 रुपये के अंदर आसानी तरीके से मिल जाएगा। उसके अलावा जो 98% वाला ह्यूमिक एसिड आता है वो आप लोगों को 1 kg का पैकेट लगभग 350 से 400 रुपये के अंदर आसानी तरीके से मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। और उसके अलावा लिक्विड फॉर्म पे अगर बात किया जाए तो जैसे कि 1 लीटर का फाइल आप लोगों को मार्केट में आसानी तरीके से 650 से 700 रुपये के अंदर मिल जाएगा। और उसके अलावा काफ़ी सारे किसानों को मन में डाउट होता है, क्या हम ह्यूमिक एसिड के साथ किसी फंगिसाइड को या फिर किसी इंसेक्टिसाइड को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ह्यूमिक एसिड के साथ किसी भी फंगिसाइड को या फिर किसी भी इंसेक्टिसाइड को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था दोस्तों ह्यूमिक एसिड के बारे में पूरी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव या सवाल रहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।